वालदा साहब मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, खुदा के लिए मेरा टोनी ढूंढ निकाले, मेरा टोनी नहीं मिल रहा, मैंने घर का कोना कोना चाल मारा, मेरा टोनी नहीं मिला। अगर आपका टोनी खरीच गया है तो प्लीज सिद्धन होकर मुझको तफसील से सारी बातें बतलाओगी तो आपकी FIR काट कर मुकम्मल एक्शन करूंगा ना बेबी जी। एक सीन है, छोटा सा बच्चा झूला झूल रहा तो मम्मा को बता रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ जो ये शख्स बैठे हैं ये अरूज और जवाल की एक लाजवाल कहानी है। शोबिज इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है, 25 साल इनका शोबिज इंडस्ट्री में करियर है। इनसे बात करते हैं और इनके पूछते हैं किन किन मायानाज शख्सियात और शोबिज इंडस्ट्री के स्टार्स के साथ इन्होंने काम किया है। आज इनसे बात करते हैं और इन्हीं की जुबानी इनकी कहानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया और किन किन मशहूर शख्सियात के साथ आपने काम किया हुआ? जी माशाल्लाह इस टाइम जो टॉप कास्ट थी उनके साथ काम करा है। साजिद हसन साहब हैं, कराची के मेन एक्टर हैं, सादिया इमाम है, दरअसल सैयद फैसल बुखारी साहब डायरेक्टर हैं, PTV के, TV के, जियो के, बड़े सारे चैनलों पे उनके माशाल्लाह उनके सीरियल चले हैं। स्पेल सो किस का उनका ड्रामा चला है। अच्छा कवि साहब के साथ भी आपने जिक्र किया कि आपका काम का एक्सपीरियंस है, कवि साहब का रिसेंटली इंतकाल हो गया था, अब मुझे ये बताएं कि उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी कवि खान साहब अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, बहुत नाइस मैन थे, ऐसे मीठी शख्सियत, भाई सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग थे। उनके साथ मेरी हसरत थी कि उनके साथ काम करूं, तो अल्लाह पाक ने मौका दिया मुझे। दुबई हम गए थे, दुबई ड्रामा बनाया, डायरेक्टर अतीकुर रहमान साहब थे, अशर असगर थे, तो दिल दुबई सहरा ड्रामा था। तो फिर एक टेलीफिल्म भी वही हमने बनाई, खरीदी हुई मोहब्बत, उसमें मेरा कवि साहब के साथ घर के मुलाजम का रोल था, मैं बंगाली बना था उसमें, बंगाली का रोल था। एक दौर था, एक ड्रामा चलता था अंधेरा जाला, अंधेरा जाला, इरफान खोसर साहब थे, कवि खान साहब थे, वो फिर बड़े सारे माशाल्लाह आला आर्टिस्ट थे सारे उस पर। तो एक किरदार था जो मैंने गोल के पिया हुआ है, समझ लो मेरे अंदर गुस्सा हुआ है पूरा। एक मैं आपकी नज़र करता हूँ, ज़रूर ज़रूर जी। तो वो सीन है इस तरह का कि सुबह सुबह का टाइम है, थाने में एंटर होते हैं तो अपने मचैतों को बुलाते हैं, वो रहमत, वो रहमत, वो तीफिया, वो काम मर गया नूर पीर के वेले सारे के सारे, वो मिस्टर एडी। तो बड़ी बड़ी मूछी है मिस्टर एडी की, मूछों को ताव देता आता है, आया सर जी, वो सर जी का कोला डोवे तो वो नमा नीमा, वो नूर पीर के वेले कोई कम काज कर लिया करो, सारे दिन मक्खियाँ मारते रहते हो बस, वो ऐसा करो कैसा करो, बाजे दूध वाले की दुकान पर बजे बजे जाओ, वहाँ से 1 ग्लास मिल्क विद थिक मलाई लेके चलती मेरे को लावे, ते खाता अपने नौ में लिखा के आना, हाँ मेरे को मजाक नहीं है, वो डायरेक्ट वालदा रहा दा जमात पास तो ये सीन ख़त्म होता है तो एक खतून आ जाती है रपड़ लिखाने के लिए थाने में, FIR कटवाने के लिए। जैसे ही एंटर होती है ना तो पूरा थाना सर पे उठा लेती है, वालदा साहब मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, खुदा के लिए मेरा टोनी ढूंढ निकाले, मेरा टोनी नहीं मिल रहा, मैंने घर का कोना कोना चाल मारा, मेरा टोनी नहीं मिला। वालदा साहब खुदा के लिए मेरा टोनी। वाह बीबी जी, इतना जज्बाती होने की लोड़ नहीं है, अगर आपका टोली खरीच गया है तो प्लीज़ सिद्धन होकर मुझको तफसील से सारी बातें बतलाओगी तो आपकी FIR काट कर मुकम्मल एक्शन करूँगा ना बीबी जी। वालदा साहब क्या बतलाओ, सुबह नाश्ते के बाद टोनी ऐसा निकला कि अब तक नहीं लौटा, मैंने घर का कोना कोना छान मारा, टेबल के नीचे, सोफे के पीछे, कोना कोना छान मारा, कहीं नहीं मिला वालदा साहब, कहीं नहीं मिला। वो बीबी जी आप मुझको ये बतलाएं कि आपके टोनी के किस रंग के कपड़े थे, आपके टोनी ने किस रंग का जांगिया पहना हुआ था बीबी जी? वालदा साहब टोनी हमारा बच्चा नहीं। वो सद के जाऊं तो और क्या था। वालदा साहब टोनी हमने कुत्ता पाला, प्यार से वो खो गया। वो बीबी जी लोगों के बाल बचुंगले खड़े जाते हैं, उनका पता नहीं चलता, वो तुम कुत्ते की रबर लगवाने आई हो, वो स्टैंड पहुंचो बीबी जी, नो तो क्या ना, इधर को दोबारा नहीं आना। क्या बात
सर क्या बात, तो ऐसे लग रहा है इरफान घुसड़ साहब भी यहाँ बैठे हुए, कमाल कर दिया। एक छोटा सा सीन है कि बच्चा मासूम बच्चा होता है ना, बच्चे की मासूम की जुबान उसकी माँ समझती है, तो माँ किचन में काम कर रही है तो बच्चा झूले में झूला झूल रहा है, तो मम्मा को बताएगा जी मुझे भूख लगी है, तो मम्मा ने फिर आना है तो उसको फीडर देना है, तो वो फिर बच्चे का दिल लगेगा। एक सीन है छोटा सा बच्चा झूला झूल रहा है तो मम्मा को बता रहा है चुप मेरा लाल मैं वारी मुन्ने को भूख लगी, मम्मा आई मुंह में फीडर लगाया अभी फीडर पिया, अभी फीडर जब मुंह से निकलेगा फिर तब कैसे बताएगा मम्मा फीडर निकल गया दोबारा आगे लगाओ, अभी फीडर पी रहा। मनोवर जी साहब मेरे अंदर गुस्से हुए हैं, समझ लो कि मैं भी मेरे उस्ताद पीर उस्ताद है मनोवर जी साहब। तो एक मशहूर सीन सुनाता हूँ फिल्म का कि हमारी पाकिस्तानी फिल्में क्यों फ्लॉप हुई हैं, इसलिए कि हर फिल्म में एक जैसा सीन लाजमी डालते थे। वो सीन कौन सा होता था तो मैं भी आपको खड़े होकर थोड़ा सुनाऊंगा। दूर हो जाने वास मार के पूरे पिंड नू बुला लगी। ओए तू जिन मर्जी आ बड़ा मुटियारे तेनू साडे तो को नहीं बचा सकता। बचाओ बचाओ, हीरो आ गया। ओए छोड़ दे पालू, ओए तू कॉलेज वाला, ओ जे याती दी लोड़ी ते तो चला जा चला जा। ओ नहीं ओ माइक पड़दा घर तो मंद नौजवान, ओ किसे मजूम मुटियार दी जरूरत नहीं देख सकदा। आ फिकमा 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 फरिश्ता बन के आया, मेरी इज्जत बचा के तू मेरे ते बहुत बड़ा एहसान किया है। ओ छड्ड ना गल्ला नू, ओ तेरा नाम की आ? फीजा। नाम बताया साथ ही दिल फेंगाना। चुप को कर गई है, अगर भी गाना मैं पहला चाह ते पिला। कुछ आर्टिस्ट हजरात ऐसे हैं जिनको अब एज में इग्नोर किया जा रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट को क्या ऐसे इकदाम करना चाहिए कि उनका जो बुढ़ापा है या अगर वो अब काम कम हो गया तो उसको वो सरवाइव कर सकें? गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट बनाए। देखें ये जो फिल्म टीवी जो है ना, ये ऐसा निज़ाम है, ये पैगाम रसानी का एक जरिया है, पैगाम रसानी है। इसमें पैगाम आप क्या देना चाह रहे हो? हमारे डायरेक्टर हैं ना जो राइटर हैं, अभी इनके पास वो कोई पैगाम देने की कोई है नहीं बात कि हम क्या पैगाम करना है, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी वीकनेस है, जो वीक बाइट बातें होती हैं, वीक पॉइंट होते हैं, ये डायरेक्टर फिल्म स्क्रीन पे दिखला सकते हैं कि भी ये कमी है हमारे मुल्क में, ये ठीक करो। तो यहाँ ये नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ जो फिल्म भी बन रही है तो वो प्रोजेक्ट हो रहा है। गवर्नमेंट हमारी चाहे ना तो ये सारा कुछ सही हो सकता है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो तो। आप शेफ भी हैं मैंने सुना है, बड़ा अच्छा, तो क्या क्या अच्छा बना लेते हैं और कहाँ कहाँ इस चीज़ की खिदमत दी हैं आप? यार बादशाह ये तो मालिक ने टैलेंट दिया हुआ है, मल्टी टैलेंट है, गॉड गिफ्ट है ये, तो मैं शेफ भी हूँ। कुकिंग में ऐसी स्पेशल करता हूँ कि हटो बचो, स्पेशल डिश जी जी स्पेशल मैं तो आपकी दुआ से सारी बना लेता हूँ, बम्बे बिरयानी, सिंधी बिरयानी, चाइनीज़ एग, चाइनीज़ वेजिटेबल फ्राइड राइस, शाशलिक वाले यानी कि दुम्बुक रोस्ट, दुम्बुक मैशी, तो पाकिस्तानी तमाम डिशें। अल्लाह पाक का करम है, फजल है कि ये मुझे खाने का भी शौक़ है तो खिलाने का भी शौक़ है। मैं वैसे शौक़ से बनाता हूँ ना तो फिर जो खाते हैं ना तो वो भी उंगलियाँ चबा जाते हैं। फिर मैं आजकल ना सूफ़ी फ़ोटोग्राफ़र हूँ, सब पाकिस्तान की दरगाहों पर मेरा एक शक्ल ऐसा अल्लाह पाक ने शक लगा दिया है कि सब दरगाहों पर मैं जाता हूँ, दरगाहों की फ़ोटोग्राफ़री करता हूँ, वहाँ के ढोल नगारा सूफ़ी ढोल ये भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो अपना एक आजकल चैनल मैंने बनाया हुआ है फ़कीरी रंग, तो फ़कीरी रंग में वो सारी अपलोड करता हूँ। तो बस मेहनत कर रहा हूँ, मैं फ़ोटोग्राफ़री कर रहा हूँ आजकल,
तो या फिर कुछ कहीं कहीं अपना दिल को खुश करने के लिए वो टिकटॉक पे मैं पुराने जो सॉन्ग हैं वो ओवरलैप करता हूँ, वो फिर उसमें मज़ा लेता हूँ, खुश होता हूँ यार। चलो भाई तो थोड़ा सा हमें भी ज़रा यहाँ पे अपना टिकटॉक का टैलेंट दिखाएं। अच्छा जी, टिकटॉक का टैलेंट कुछ सॉन्ग सुना देता हूँ। जो सॉन्ग सुना पुल जान सब गम दुनिया दे, भूल जान सब गम दुनिया दे, जिनु प्यार करा जे ओ नाल होवे। टिंग टिंग टिंग, भूल जान सब गम दुनिया दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मज़ीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।